महोदय, दीप प्रज्वलन करते हुए आपकी बहुत जोरदार करतल ध्वनि चाहूंगा। हम आगाज करते हैं करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी दीप प्रज्वलन कर इस मेले का उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। आपकी बहुत जोरदार तालियां चाहूंगा इस अवसर पर। हमारे सभी विशेष अतिथिजन अब मेले के भ्रमण के लिए इस साल का निर्देशन कोतवाली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। मेले का आयोजन किया गया, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसकी पहल है? कोविड महामारी के दौरान देश भर में करीब एक साल तक त्यौहार देश का नागरिक नहीं मना पाया था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए शासन की मंशा के अनुरूप कि लोगों के बीच में त्यौहारों का हर्षोल्लास पुनः वापस आए, इसलिए शासन की ये मंशा रही है कि जो हम लोग त्यौहार हैं वो पुनः धूमधाम से मनाएं। इसी क्रम में पुलिस लाइन में पुलिस मेले का आयोजन किया गया आज दिवाली के दिन, जिससे कि जो पुलिस बल पुलिस लाइन में मौजूद है वो पूरे त्यौहार का पूरा हर्षोल्लास तक मना सके, उसका पूरा वो कर सके उत्साह के साथ। इसी मंशा के साथ इसको आयोजित किया जा रहा है। सर, जिस तरह से जनता और पुलिस के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, उसका भी क्या इस मेले से वो है संबंध कि जिस तरह से पुलिस के पास आए और सामान खरीदे, जो डर का माहौल था वो पूरी तरह से खत्म हो गया? बिल्कुल, इस मेले में शहर के लोग सादर आमंत्रित हैं, वो आएँ यहाँ पर सामान खरीदें। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी जो इंटरेक्शन होगी, जो उनकी बातचीत होगी, इससे आपस की जो दूरियां हैं, जो मतभेद हैं, जो कोई ऐसी बात है वो भी दूर होगी, पुलिस की छवि सुधरेगी और इससे इन जनरल जो है पुलिसिंग में सुधार आएगा। मंत्री जी, पुलिस लाइन प्रांगण में मेले का आयोजन किया गया शासन की मंशा के अनुसार, क्या उद्देश्य इस मेले का? अपने ललितपुर जिले में पुलिस लाइन में जो मेला लगाया गया है, ये उद्देश्य माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी सामान दिया जाएगा सही रेट में दिया जाएगा और रेट पुलिस लाइन के द्वारा जो रेट बताया जाएगा वो सही रेट मिलेगा। मैं सही मिलेगा तो उद्देश्य उसी का तो बनेगा कि उसका रेट जो हम मार्केट में लेते हैं तो इस वही चीज़ यहाँ उस रेट में मिलेगी। उद्देश्य ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदेश में इसकी सभी लोगों को इसकी बिक्री जिसको लेना है उनके लिए उनका पहनना ओढ़ना किस ढंग से क्या होता है, इस सब कार्यक्रम इसी उद्देश्य में आते हैं कि हम इस पुलिस लाइन में इस चीज़ को दिखा करके बता करके सभी जनता को जागृत करें और वो अपना इस मेले में अपना इसका सब सामान ले सकें।